सो गाइस अम्मी और मैं अभी जा रहे हैं कहाँ बताऊँ बताऊँ पक्का चलो बता देता। सो गाइस अम्मी और मैं अभी जा रहे हैं इतवार बाज़ार, संडे बाज़ार, सही है। तो हमने बोला यार काफ़ी टाइम से गए ही नहीं है, बल्कि काफ़ी हाँ टाइम मतलब साल साल तो हो गया होगा अम्मी हम लोग को, हाँ साल भर से नहीं गए हम लोग। तो आज हम लोग जा रहे हैं इतवार बाज़ार, और इतवार बाज़ार जाके देखते हैं वहाँ कुछ चीज़ पसंद आई। वैसे लेने का कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन देख लेंगे क्या क्या चीज़ें, और मैं आप लोग को भी दिखाऊंगा कि वहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। बाजार की गेट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। अच्छा मज़े की बात क्या है, यहाँ पे थोड़ी सी पब्लिक ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है मी पब्लिक ज़्यादा है। अच्छा हम लोग लेट भी तो निकले। तो गाइस इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन, क्या टाइम हो रहा है, 5 बजने वाले हैं, और जाहिर सी बात है इस वक्त तो रश होता है, सब ठंडे टाइम निकलते हैं। खैर चलो अंदर चलते हैं, बल्कि हम लोग को आगे यहाँ से थोड़ा सा और आगे पार्क करनी थी गाड़ी, लेकिन वहाँ पार्किंग नहीं मिलती है, तो जिसकी वजह से हम लोग पहले ही उतर गए, और हम लोग को बहुत लंबा चलना पड़ेगा अभी, बहुत लंबा। तो खैर चलना तो पड़ेगा, अच्छा है सेहत के लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं ना हम लोग यहाँ पार्क करते थे, उस तरफ पार्क होती थी हमारी गाड़ी, हम लोग ने पहले पार्क कर दी है। वो जो चादर वाली जो बात करी ना, वो उस तरफ है, उस तरफ भी है, इस तरफ भी है। ये है और एक ग्रीन, ये वाले ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। अच्छा ये कैसे दे रहे हो एक पीस? आज इसमें मलाई का अलग रेट है, मलाई 1700 रुपए का है। ये रोड इसकी कीमत 1500 रुपीस है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, मुझे पसंद आया था लेकिन बहुत महंगा है। क्या महंगाई बताओ? बहुत महंगाई है। 1500 के पर्दे हम लेके गए थे, वो अब 4000-5000 के हो गए, यानी जो चीज़ 1500 रुपए की थी अब वो 4000-5000 रुपए की हो गई। खैर मैंने तो अपने एक ट्राउज़र ले लिया, छोटा सा नहीं मतलब बड़ा सा। सब मेरे लेने के आए थे, ले क्या रहे? तो मैं लेने की आई थी, क्या ये आपका किस्मत है? अच्छा तो गाइस लेने आए थे पर्दे और ले लिए मैंने, कर ली शॉपिंग इतनी सारी, मतलब अम्मी का काम नहीं हुआ, जो मेरा बजट था वो मेरा पूरा, मेरे से 500 रुपए बचे हैं। अम्मी को कुछ भी नहीं मिला, सारे पर्दे इतने महंगे, चादरें इतनी महंगी, सब चीज़ बहुत महंगी मिल रही है। बड़ी क्लास की चीज़ें मिल रही हैं इधर, लेकिन मेरे पास बजट नहीं है इतना, मेरी सारी पसंद की चीज़ें इधर यू नो मिलिट्री टाइप, चाकू और ये क्या कहते हैं दूरबीन वगैरह बड़ी टाइट मिल रही है। ये देखो ये कितना अच्छा है, ये अच्छी है।
बड़ा अच्छा सामान है लेकिन एक्सपेंसिव है, थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है। सो गाइस, जब आपके पास बजट ना हो और फिर आपको आपकी पसंद की बोतल मिल जाए वो इस टाइप की, तो कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है, लेकिन बहुत अच्छा सामान मिल रहा है, बहुत अच्छा सामान मिल रहा है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है, मेरे बजट से बिल्कुल बाहर है। अरे ये क्या, ये तो फातिमा है। इसके सिम के टॉयज में आपको बड़ा अच्छा सामान मिल जाता है, जैसे कि ये कैसे लगे? नहीं ये अच्छा है, कोई कलरफुल हो ना तो ज़रा अच्छा लगे। ये ओए अभी मुक्का देखो, ये रख दो पीछे गाड़ी, ये भी छह किसके साथ है बच्चा? दो मुक्के हैं दो। अरे आवाज आई, इसमें से आवाज आई। छी छी ये टूटा बंदा, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ये वाला 500 रुपए का है, ये वाला कितने का? 600 रुपए का, और ये वाला भी 600 रुपए का टेबल लैंप। तो गाइस ये मेरा बक्स लाइटियर और अरे एक और है, दो 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 है, दो दो है। ये वाला देखें, अल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, अम्मी बहुत प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। भाई होता ये है कि आप पहले तो कम भी कर लेते थे, अब तो बिल्कुल कम भी नहीं करते, और होता ये है कि जो चीज़ पहले 20 रुपये 30 रुपये की मिल जाती थी, अब वो चीज़ 100-150 ऐसे मिल रही है। हमने बहुत कम करवाने की कोशिश करी लेकिन एक रुपया कम नहीं किया है, अफसोस है हमें इस चीज़ का। सो गाइस अम्मी बहुत अपसेट हैं क्योंकि इनको जो चीज़ें पसंद आ रही हैं वो बहुत महंगी मिल रही हैं और वो कम भी नहीं कर रहे, पहले तो कम कर भी लेते थे और वो कम नहीं कर रहे हैं, क्या कर सकते। रेड है और क्या कलर है, रेड भी अच्छा लग रहा है, छोटी है हाँ, छोटी है, छोटी है सही है, ठीक छोटी है, नहीं छोटी है, छोटी है कैमरे ऊपर रखना। ये कितने की है लाला? लाला कितने का है? अच्छे लग रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छे लग रहे हैं, डेकोरेशन बहुत अच्छे लग रहे हैं मगर पैसे नहीं है, थक गए यार बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा थक गए। सो गाइस फाइनली अम्मी को कुशंस मिले हैं लेकिन चादर नहीं मिली, पर्दे नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ ये मिले कुशंस। अबे इसका मुंह है सिर्फ, टांगे कहाँ हैं? हाथ है, टांगे गायब है। आपको नहीं मिला कुछ? हाँ यार मुझे पर्दे नहीं मिले, मैं पर्दों के लिए आई थी, और पर्दे और बोले चादर भी लेनी थी ना आपको, चादर ही काली थी। अच्छा मैं पूरी ब्लॉग में चादर जरूर बोल रहा था कि चादर लेने आए थे, चादर वादर नहीं लेने आए थे,
सिर्फ पर्दे लेने आए थे, पर्दे और कालीन था हाँ। लेकिन नहीं मिले, बहुत महंगा हो गया भाई। अभी देख के चलिएगा नीचे, बहुत महंगा हो गया यार, बहुत ज़्यादा। जो चीज़ बस मिसाल तौर पे जो चीज़ 20 रुपए की थी वो 100 रुपए की हो गई है। पूरा महीना कैसे गुजरेगा, सारे पैसे मैंने यहीं खर्च कर दिए। तो इस गाड़ी मेरी बहुत दूर खड़ी हुई है और सामान ले कर चलना ना बड़ा अजाब हो जाता है। खैर पहुंच जाएंगे किसी तरीके से इंशाल्लाह। तो यार गाड़ी मेरी मिल नहीं रही, कहाँ गई गाड़ी? किधर खड़ी करी थी? मिल गई। तो गाइस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मतलब ये बाज़ार की सही। घर जाके मिलते हैं वापस, ऐसा नहीं कभी बना करता, घर जाके मिलते हैं सही है, फिर बताता हूँ क्या क्या लिया। A few moments later, अम्मी को बड़ा गुस्सा आ रहा है। जूता 800 का बोला तो 500 में दे दिया। अम्मी को बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि अम्मी ने जिस जिस चीज़ों पे हाथ रखा ना ऐसे करके, ये मेरा मुझे ये पसंद आ रहा है। फिर उसमें उन्होंने क्या बोला अम्मी को, नहीं हम नहीं काम करेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, जितने का है उतने का ही मिलेगा। मैंने बोला ओके आ जाओ भाई साइड में हो जाओ। फिर हम साइड में दूसरी दुकान पे गए, तो यानी दूसरे ठेले पे गए, तो उन्होंने भी यही बोला कि भाई नहीं कम नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने बोला यार क्या करें। कुछ थे जो जिन्होंने मुनासिब रेट लगा दिए थे हर चीज़ के, लेकिन तकरीबन 90% बहुत महंगा सामान था। पर्दे, पुराने पर्दे भी जो मिल रहे होते हैं वो भी 1500-2000 रुपये तक। मेरी शॉपिंग ये हुई है कि मैंने ये शूज़ लिए हैं, और ये शूज़ आप देख सकते हो, ये मैंने शूज़ ले लिए जो कि मुझे 500 रुपीज़ का मिला है। और देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। और मुझे रेड शूज़ चाहिए थे, रेड शूज़ जो अभी मैं दुकान पे लेने जाऊँगा तो मुझे 3-4 हज़ार रुपये के पड़ जाएंगे, जो कि मुझे 500 रुपये की ये चीज़ पड़ी। और बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है, बहुत आरामदेह है। सबसे ज़्यादा शौक था जिस चीज़ का वो ये है कि मुझे अम्ब्रेला की ज़रूरत थी, तो लाल लाल शूज पे लाल लाल अम्ब्रेला तो मुझे बहुत पसंद आ रही थी ये, मैंने ले ली अपना। अब तो बारिश है, अब ले ली ना, अब बारिश ही होगी देखना, अब ले ली, अब बारिश ही होगी। जब नहीं थी तो खूब तेज बारिश हो रही थी, अम्ब्रेला को तरस रहे थे हैं। अब देखो ये ले ली हमने, अब जिंदगी भर बारिश, अरे होगी बारिश क्यों नहीं होगी भाई, अल्लाह ना करे। कैसी बात है, मनुष बड़े मनुष लग रहे हो, मनुष लग रहे हो, मत करो, रहने दो, गजब बेइज्जती है। छतरी की इज्जत करना सीखो। ऊपर डाल दो मैंने लिया जो कि नॉर्मल शॉप से, जो मैंने पाकिस्तानी शॉप से लिया है, तो वो मेरे सारे ट्राउज़र ख़राब हो गए। अब मैंने लिया ये पैराशूट पे है, ये भी 200 का ना, नहीं भाई 250 का, 20 रुपये का, मजाक कर रहा हूँ, 250 रुपये, 250 रुपये में मुझे अच्छी लुंडा का सामान लेकर आया। अच्छा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।